इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। बकरी पालन एक बेहतर जरिया है छोटे और गरीब किसानों की आमदनी का। तो किसान भाई इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और कैसे बकरियों की देखभाल करनी है, आज आपको बता रहे हैं बकरी पालन के विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सिंह। गाय पालन, बकरी पालन आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए में स्टार्ट करें तभी ये संभव है। यहाँ पे आपको जो है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए में आप व्यवसाय आरम्भ कर सकते हैं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, बकरी पालन में सबसे पहले जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करें ताकि कम से कम खर्च में आप ज्यादा से ज्यादा बकरियां खरीद सकें। अगर आपको 50 प्राउड बकरियों से फार्म आरंभ करना है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जो है 50 की जगह 70-80 जो है मादा बच्चे खरीद लें, उतने पैसे में आ जाएगा। एक प्राउंड बकरी में 2 या 3 बच्चे मिल जाएंगे आपको। अच्छा। तो आप जितने में 50 बकरियां खरीदेंगे उसमें 100 बच्चे आपको मिल जाएंगे, और 100 में क्या करिए कि 70-80 फीमेल ले लीजिए मादा और 30-35 मेल ले लीजिए। आप जब उनको बच्चे एक साथ लाएंगे तो बच्चे लाने में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चा हमेशा माँ के साथ होता है, आपको माँ के गुण भी पता चल जाएंगे, माँ ने 2 बच्चे जने हैं कि नहीं जने ये भी पता चल जाएगा, और माँ में कोई दोष है तो भी पता चल जाएगा क्योंकि बच्चे माँ के साथ होते हैं। और बच्चे हमेशा उपयुक्त सीजन में पैदा होते हैं, तो उपयुक्त सीजन में आपको आरंभ करने का एक मौका भी मिलेगा। तो धीमे धीमे 5-6 महीने बाद जब ये एडल्ट होने लगेंगे, जब प्राउड होने लगेंगे, तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि कौन से बकरियों के बच्चे आगे पालने लायक हैं, अच्छे हैं, दमदार हैं, अनुवांशिक तौर पर अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। खराब को आप बाजार में बेच के कुछ लाभ कमा लीजिए, और जो अच्छे वाले को चूंकि आपने पाले उसको आपने प्रजनक के तौर पर रखिए, अगली पीढ़ी पैदा कराइए। सबसे पहली जो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा किसान भाइयों, कि जब भी कभी आप बकरी फार्म खोलना चाहें तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दें कि समय अनुकूल हो। समय अनुकूल का मतलब क्या है कि लगभग तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, तब अगर बकरियां आप खरीद के लाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रबंधन करना नहीं पड़ेगा, उनकी एनर्जी मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा प्रबंधन नहीं करना पड़ेगा। जैसे बरसात में कभी ना करें, बरसात के 2-3 महीने बाद में अगर आप फार्म स्टार्ट करते हैं तब आपका फार्म सफल होगा। दूसरी बात यह है कि आप जिस इलाके में हैं उस इलाके के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जाके ज्ञात कर लें कि वहाँ कौन सी बीमारियाँ बकरियों में होती हैं। अलग अलग इलाके में अलग अलग होती है। अक्सर बकरी पालकों का ये सवाल होता है कि आखिर कितनी बकरियों के साथ एक बकरा रखना आवश्यक होता है। 25-30 बकरियों पे साल भर के लिए एक बकरा आवश्यक हो जाता है, और गणती अनुसार 2 बकरे चाहिए। अब मान लीजिए कि ब्रीडिंग सीजन आया, जब बकरियां गर्म होने लगी, कोई बकरा बीमार पड़ गया तो कहाँ से लाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बैकअप भी हम लोग रखें। तो जहाँ 2 की आवश्यकता है 3 या 4 बकरे हम पालते हैं। सभी पशु एक जैसा चारा नहीं खाते हैं, और अक्सर किसान भाई करते क्या है कि जो चारा वो अपनी गाय भैंसों को खिलाते हैं वही चारा वो अपनी बकरियों को भी खिला देते हैं। लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि बकरियों का चारा गाय भैंसों की तुलना में काफी अलग होता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो बकरी है वो चने का, अरहर का, जो दाल वाली फसलें हैं उन्हीं का भूसा खाती है, उन्हीं का खिलाना चाहिए। इनका भूसा भी जौ और गेहूं से सस्ता मिलता है। अच्छा। केवल है क्या कि इनकी उपलब्धता साल के 1 महीने तक होती है, जब चना होता है तभी होगी, उसके बाद चना कोई भूसा इकट्ठा नहीं करता है, कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर जितना आपके पास बकरियां हैं, जितना क्षमता है, उसके लिए मिनिमम भूसा जो है उसकी व्यवस्था आप करके साल भर के लिए रखिए। अच्छा। तो आपका व्यवसाय सफल होगा ही होगा, कोई इसमें वो नहीं। दोस्तों, गाभिन बकरियां अक्सर संभल संभल कर चलती हैं, तो उन्हें अन्य बकरियों से थोड़ा अलग रखें। छोटे बच्चे और शर्मीले टाइप के जो जानवर होते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अलग से करें। एक तरह के उत्पादन जैसे दूध देने वाली बकरियों को एक साथ कर लें, गाभिन बकरियों को एक साथ कर लें, तो हमें ये निर्धारित करने में सहायता रहती है कि इनके मेंटेनेंस पे कितना दाना खाना चाहिए और इनके जो उत्पादकता जैसे गाभिन होने पे कितना चाहिए, तो हमें एक गणितीय हिसाब लगाने में आसानी होती है। जो सामूहिक प्रबंधन की एक ये कमी है कि मान लीजिए आपने 50 बकरियां एक बाड़े में पाली,
तो 5-6 बकरियां जो स्वभाव से सीधी होंगी या कमजोर होंगी, उसको जो स्वभाव से उद्दंड किस्म के जानवर हैं वो हमेशा कोने में मार के कर देते हैं और उनको खाना पीना सही नहीं मिल पाता। ग्याभिन बकरियों के लिए एक विशेष बात जो सभी बकरी पालकों को ध्यान में रखनी चाहिए, हमेशा एक डायरी रखें या रजिस्टर रखें और ये निश्चित कर लें कि जिस दिन आपकी बकरी ग्याभिन हुई है उस बकरी का उस एक डेट रख लें जिस दिन ग्याभिन हुई है, तो आपको पता होगा कि कब ये बच्चे देगी। आपके पास आंकड़ा होगा लिखित में कि मान लीजिए कि सोमवार 15 नवंबर को 10 बकरियों ने बच्चे देने हैं इसके आसपास। अच्छा, तो आप क्या करिए कि ऐसी बकरियों को जो 10 हैं उनको 2-3 दिन पहले समूह से अलग करिए और जहाँ ब्याद घर है, और ब्याद घर हमेशा अलग होता है, वहाँ ला करके आप रख दीजिए। फायदा क्या होगा कि ब्याद घर में ब्याद का आदमी हमेशा रहता है, जब तक उनका ब्याद का समय चलता है एक आदमी होता है बच्चों की देखभाल के लिए, तो उनकी देख रेख में बकरियाँ होंगी, जब भी प्रसव स्टार्ट होगा वो उसकी सहायता में पहुँच जाएगा। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो छोटी प्रजातियाँ होती हैं वो 2 से अधिक बच्चे देती हैं, और जबकि बकरी के थन 2 ही होते हैं, तो ऐसे में 2 बच्चे तो दूध आसानी से पी लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा होने पर वो माँ का दूध नहीं पी पाते हैं और अक्सर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में बकरी पालक किन बातों का ध्यान रखें, जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। मान लीजिए कि सुबह किसी एक माँ ने 3 बच्चे देने, तो एक बच्चे को, किसी एक बच्चे को हम लोग क्या करते हैं कि दिन में अगर एक माँ ने अकेला बच्चा दिया तो उसको क्या करते हैं कि उस बच्चे को चुपके से लाके माँ के पीछे जो है स्राव जो निकलता है प्रसव का उस पर लेप कर देते हैं, हाथ से लेप कर, थोड़ा मोटा लेप कर दिए, तो क्या है कि बकरी इसको भी चाट लेती है और उसको ये आभास होता है प्रॉक्सी में कि ये मेरा ही बच्चा है, उसको तब दूध पिलाएगी, नहीं तो दूध नहीं पिलाएगी, तो इसलिए वो दोनों बच्चे पल जाते हैं। दोस्तों, ये तो आपने जाना कि बकरी पालन को सही ढंग से कैसे करें और कैसे बकरियों की देख रेख करें, और अगले वीडियो में हमारी विशेषज्ञ आपको बताएंगी कि आप अपनी बकरियों के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। तो देखना ना भूलें हमारा अगला वीडियो दी गोट केयर।